ये बड़े अच्छे चल रहे हैं। लास्ट टाइम मुझे किसी ने क्वेश्चन किया था कि ये दुकान ये वाली शॉपिंग काफ़ी क्यूट क्यूट है, ये ओवर साइज वाली टी शर्ट आ गई, ये वाले इसके साथ में जो पॉकेट है वो इनबिल्ड है काफ़ी, और ये वाला तो इतना क्यूट है, ये वाला पर्स तो स्ट्रीट में चल रहे हैं। इनके पास ऐसे कवर भी है और कस्टमाइज करवा सकते हैं ऐसे कुछ कुछ लगवा के। ये चप्पल बहुत सुंदर है, बहुत चीपर है इनके पास इसी शॉप में, जो मैं स्ट्रीट है उसी में चल रही हूँ अभी, ये पूरा वही एक्सप्लोर कर रहे हैं कि ये वाला कहाँ से मैंने लिया है। ये तो $12 पोलका डॉट में, पर थोड़ा ट्रांसपेरेंट है, पर ड्रेस अच्छी। ओ ये कितना क्यूट है, एक का $12 है जो छोटी क्यूट लड़कियों के लिए, या फिर जो इंस्टाग्राम। हाय वेलकम बैक टू माय चैनल, होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड वेलकम बैक टू इन बुगी स्ट्रीट पार्ट 2। एंड सबको बहुत बहुत शुक्रिया पार्ट 1 को इतना प्यार देने के लिए, सबको बहुत ज़्यादा पसंद आया, तो मुझे लगा कि वाई नॉट आई शुड मेक ए सेकेंड पार्ट। और इस पार्ट में मैं दिखाने वाली हूँ कि जो भी न्यू ट्रेंड अभी चल रहा है और वो सब आप इस ब्लॉग में देखने वाले हो। एंड सरप्राइजिंगली आप पूरे इस ब्लॉग को एंड तक देखना, आपको कुछ न्यू सरप्राइज यहाँ पे बुगी स्ट्रीट में इस बार देखने को मिलेंगे। मैं ऑलमोस्ट 5-6 महीने बाद में ये ब्लॉग बना रही हूँ पार्ट 2, सो डेफिनेटली यू गोना लव इट। एंड या लेट्स स्टार्ट दिस ब्लॉग। ये वाला सामने यहाँ पे मॉल है, बुगीज मॉल, और यहीं पे आती है बुगी स्ट्रीट। तो यहाँ पे आपको अफोर्डेबल मिल जाएंगे, वहाँ पे लग्जरी, और थोड़ा सा बजट में ही मिलने वाले हैं। बुगी स्ट्रीट स्टार्ट होती है यहाँ पे खाने पीने की, जूस की कॉफ़ी की दुकानें आ गई, आपको स्वागत तो होना ही चाहिए राइट। एंड यहाँ पे आ गई ओरिजिनल सिक्कों की दुकान, यहाँ पे सिटीजन की भी आ गई, और यहाँ पे न्यू ट्रेंडिंग क्लॉथ काफ़ी सारे वहीं सिलर टी ही मेरे को लग रहे हैं। यहाँ पे क्यूट क्यूट बहुत सारे शॉप हो गए। इस शॉप का नाम है MSV4, और इस वाली शॉप के अंदर ये वाले क्यूट क्यूट ऐसे कुछ तो मिल रहे हैं जो आप अपने बैग के पर्स के लटका सकते हो, और एक का है $5 और 3 का है $10, तो काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल है। और यहाँ पे बहुत सारे क्यूट क्यूट ये मिल रहे हैं, यहाँ पे कवर, कैन यू सी, ये काफ़ी ट्रेंड में चल रहे हैं ऐसे वाले कवर जो है $19 का। एंड यहाँ पे केबल वगैरह जितने भी क्यूट क्यूट है वो सारे मिल जाएंगे, अगेन इलेक्ट्रॉनिक। और इसी वाली गली में यहाँ पे मनी एक्सचेंजर का हो गया, एंड ये वाली शॉप में यहाँ पे ऐसे वाले क्लॉथ मिल रहे हैं जो ठीक है ओके टाइप से है। यहाँ पे ज्वेलरी का हो गया, ये मैंने रिसेंटली अभी बैंकॉक से ये वाला बाय किया था, आई डोंट नो इसका कलर वगैरह ना निकल जाए। एंड जो नो ट्रायल वाले सेक्शन में लिखा हुआ है, एंड ये वाले हैं $3 का $30, $1 का $12 है, काफ़ी सुंदर है। ये वाले बहुत सारे मल्टीपल ड्रेसेस भी जा सकते हैं ऐसे वाले, बहुत क्यूट। ये वाले फैशन वाले ये बैग्स भी हैं यहाँ पे जो $1 का $12 है, अराउंड $10-$12 में बुगीज में आपकी हो जाती है शॉपिंग, पर्टिकुलर एक आइटम या दो आइटम आप ले सकते हो आराम से। बाय द वे जिनको नहीं पता बुगी स्ट्रीट किसके लिए फेमस है, बुगी स्ट्रीट है सिंगापुर में जो फेमस है न्यू ट्रेंडिंग क्लॉथ्स के लिए, जो फास्ट फॉरवर्ड फैशन है वो यहाँ पे पूरे यहाँ पे आपको क्लॉथ मिल जाएंगे, चाहे वो बैग हो या फिर फैशन वाले क्लॉथ्स हो, टी शर्ट हो, लोअर हो, कुछ भी हो, वो यहाँ पे सब कुछ मिल जाएगा। बट सिंगापुर में ड्यूप नहीं मिलते, जो भी ब्रांड्स हैं उनके लिए डुप्लीकेट यहाँ पे अवेलेबल नहीं होते, यहाँ पे मिल जाएंगे लोअर क्वालिटी के या फिर अच्छी क्वालिटी वाले फास्ट फॉरवर्ड फैशन के चीज़ें, लेकिन ड्यूप्स नहीं मिलते लाइक मलेशिया और इंडोनेशिया, बहुत सारी जगह पे आपको मिल जाएंगे लेकिन यहाँ पे अलाउड नहीं है। बट यहाँ पे बहुत अच्छी क्वालिटी के ये बुगी स्ट्रीट में अफोर्डेबल प्राइस में आपको बहुत सारे भर भर रुपये की शॉपिंग मिल जाएगी, सो अपना पॉकेट पूरा भर के लेके आए। सिंगापुर में ऐसे वाले फ़ैन लेके काफ़ी लोग घूमते हैं जो ऐसे फेस पे ऐसे लगा के रखते हैं, एंड ये वाला स्ट्रॉलर वगैरह के लिए हो गया। तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ह्यूमिडिटी रहती है तो सब लोग ऐसे फेस पे लगा के रखते हैं, जैसे ये स्काई ने अभी ये ले रखा है फेस पे हवा खाने के लिए। एंड जो अगेन $10 to $19, $35 तक है। अभी एक शॉप है यहाँ पे जो काफ़ी सारी क्यूट है, एंड इस शॉप पे मिल रहे हैं तीन के ले रहे हैं $10 जो एकदम क्यूट क्यूट छोटे छोटे पाउसेज हैं, बड़े पाउच के $12 ले रहे हैं 2 के, बट काफ़ी अच्छे हैं। ये दुकान के नाम इसमें कुछ ऐसे सा कुछ लिख रखा है और नंबर है MSV7। सो ये वाली दुकान में मुझे काफ़ी सारी क्यूट ये $5 की ऐसे वाली टी शर्टें मिल रही हैं लाइक ऐसे, तो बहुत क्यूट है एकदम क्रॉप टॉप में।
ऐसे वाले आजकल मैं काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में देख रही हूँ, जो हाई वेस्ट जो जींस पहनते हैं उसके ऊपर, या फिर ये वो टीनेजर वाली जैसे थोड़ा कट टाइप से हो गए, बहुत क्यूट लग रही है ये वाली भी, जो एक का $12 दो का भी सेम, ऊपर भी ऐसी वाली कुछ चल रही है। ये वाली शॉपिंग काफ़ी क्यूट क्यूट है। ये ओवर साइज वाली टी शर्ट आ गई, ये वाले इसके साथ में जो पॉकेट है वो इनबिल्ड है, काफ़ी सुंदर है ये वाला भी। तो आपको बुगीज में अगर आओगे तो ये वाली चीज़ कॉमन मिलेगी, ऐसे वाले छोटे छोटे पाव जो सिंगापुर लायन लिखा हुआ है, सिंगापुर लिखा हुआ, जो $10-$5 के बहुत सारे मिल जाते हैं यहाँ पे, ऐसे जो बहुत सारे मल्टीपल दुकानों पे ऐसे मिलेंगे। और इवन फ्रीज मैग्नेट ये वाले हो गए, प्लस ये छोटे वाले स्टैचूज वगैरह हो गए, की चेन हो गए, ये वाले कुछ अराउंड कुछ $5-$7 में, जैसे ये वाला है $4-$10 ले रहे हैं, तो काफ़ी क्यूट है, अफोर्डेबल भी है। और बेस्ट बात इज़ ये काफ़ी अफोर्डेबल है, तो गिफ्ट वगैरह देने के लिए बेस्ट है, क्योंकि जब भी कोई ट्रिप पे आते हैं तो हमें ऐसे लगता है कि गिफ्ट क्या देना है, और थोड़ा अफोर्डेबल भी होना चाहिए, और बहुत सारी बड़ी अगर फैमिली है तो ये वाले आप गिफ्ट यहाँ से चूज कर सकते हो। थोड़ा आगे यहाँ पे शॉप पे चल रही हूँ, तो ऐसे ये LK वगैरह के ऐसे थोड़े ड्यूप टाइप से दिख रहे हैं, बट क्यूट है ये भी बहुत ज़्यादा। ये वाले ऐसे नाइट स्लीपर, डे वाली स्लीपर, ये भी बहुत बड़ी क्यूट क्यूट है। कुछ कुछ लड़कियों को ऐसे वाले बड़े पसंद आते हैं, ये भी बहुत कुछ यहाँ पे चल रहा है। बच्चों के टॉयज बहुत सारे हैं जो अराउंड $10 में है। अभी है हम कॉट टाइम में, तो ये वाली है इलेक्ट्रॉनिक शॉप, तो यहाँ पे ऐसे स्टैंड वगैरह हो गए बच्चों के टॉय, ये छोटे वाले फ़ैन हो गए, ये वाले जो छोटे फ़ैन हैं वो $10 के हैं, और ये वाले कुछ $12-$13 के हैं, सो काफ़ी अफोर्डेबल है। ऐसे छोटा वाला ऐसे लेके वाला ऐसे छोटा सा ऐसे लेके और फेस पे हवा खाई जाती है इससे, ताकि गर्मी नहीं लगती। अभी बुगीज में मैंने नोटिस किया कि ये वाली जो विक्टोरिया स्ट्रीट बना दी, यहाँ पे आर्ट लाइन बना दिया एंड बुगीज बना दिया, तो ये वाला एकदम पर्टिकुलर ऐसे बनाया जिसकी वजह से डायरेक्शन समझने में और समझाने में बड़ा इजी हो गया, तो एकदम प्रॉपरली बता दिया कि यहाँ पे आर्ट लेन है और यहाँ पे बुगीज के लिए हो गया, सो बेस्ट हो गया। अभी तो काफ़ी मॉडर्न बना दिए। अभी हम जा रहे हैं इसमें जॉय सिंगापुर कलेक्शन में, तो ये बेस्ट पार्ट इज इस शॉप का ये टैक्स फ्री है, लेट्स सी ये शॉप में मिल क्या रहा है। ओ वाह, यहाँ पे चॉकलेट्स हैं, दो के $22 है, मिक्स मैच की हुई है बहुत सारी, और यहाँ पे फ्रिज मैग्नेट जो चॉइस पीस का $10, ओ माय गॉड, यहाँ पे तो एकदम पूरा ऑफर चल रहा है, लूट लो अगर कोई आ रहे हो तो यहाँ पे। ये यहाँ पे ये की चेन बहुत सारी हो गई जो मार्केट से, यहाँ पे तो काफ़ी सस्ता दे रहे हैं। टी शर्ट भी हो गई एज ये गिफ्ट के लिए काफ़ी अच्छे हैं। यहाँ पे बहुत सारी चॉकलेट है। एंड बेस्ट पार्ट इज़ ये वाली शॉप है टैक्स फ्री, तो आपके कुछ तो डॉलर यहाँ पे बचेंगे, अपने यहाँ पे तो $50-$100 भी बच रहे हैं, तो बेस्ट पार्ट है। यहाँ पे कितने क्यूट मिनी पाउचेस भी है, छोटे छोटे एकदम कलर वाले भी बड़े क्यूट है यहाँ पे। मैं यहाँ पे अभी लेने वाली हूँ, लेट्स सी इनका प्राइस कितना है। ये वाले जो छोटे छोटे बॉक्सेज हैं जो के भी हैं, ओह ये छोटे वाले मिरर भी हैं जो पर्स वगैरह में रखने के लिए, ट्रैवलिंग के लिए बड़े क्यूट है। इवन आप अपने बैग के साथ में ऐसे एज ए की चैन भी लटका सकते हो, जो है $3-$12, एक का है $5, बहुत क्यूट है। 250-300 रुपये में अगर मैं कन्वर्ट करके बताऊँ इंडियन रुपीज़ में, तो काफ़ी अफोर्डेबल है। इतना तो अपने को इंडिया में भी नहीं मिलता है इतना सस्ता। तो ये वाले पाउचेज यहाँ पे 2-12, एक का $7 दे रहा है, जो मिक्स मैच करके कोई सा भी आप कलर ले सकते हो, या फिर छोटे बड़े इनके साथ मिक्स करके ले सकते हो। ये क्यूट है कितना कलर, जो पर्पल अभी काफ़ी ट्रेंड में चल रहा है। मैं जा रही हूँ आर्ट लेन में, और ये आर्ट लेन बेसिकली ऐसा है कि ये इंस्टाग्रामेबल प्लेस है। कैन यू सी कितना ज़्यादा क्यूट लग रहा है। यहाँ पे बहुत सारी आपको इंस्टा की रील्स मिल जाएगी, लोगों ने यहाँ पे इंस्टावर्ती बना दिया, वहाँ पे ये स्विंग भी डाल दिया है, तो बेस्ट बेस्ट है ये यहाँ पे हैंग आउट करने के लिए। इस ब्लॉग का सरप्राइज ये है कि बुगी स्ट्रीट को बड़ा ही पर्टिकुलर और एकदम स्टाइलिश मॉडर्न बना दिया है, जो आप अभी पूरा ब्लॉग में देखने वाले हो। हर एक स्ट्रीट के लिए इन्होंने पर्टिकुलर नाम दे दिया गया है, जो ढूंढना काफ़ी इजी होता है, क्योंकि जब भी किसी का हम ब्लॉग देखते हैं कोई या फिर कोई रिकमेंडेशन मिलती है, तो मोस्टली प्रॉब्लम ये आती है कि कौन सा स्ट्रीट है, क्या नाम है, पहले कुछ नहीं पता चलता था। लेकिन इस बार इतना मॉडर्न बना दिया, एकदम लग रहा है कि किसी हाई स्ट्रीट पे हम लोग कोई शॉपिंग के लिए आए हुए हैं, जो आप अभी आगे व्लॉग में देखने वाले हो। और काफ़ी आई वुड से बहुत अच्छा लग रहा है, ये काफ़ी मेजर चेंजेस है। 5-6 महीने बाद में ही मैं आई हूँ अभी, सो आप पिछले वाले व्लॉग को मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ, वो देख लेना, कितना आपको ह्यूज डिफरेंस पता चलेगा। एंड इफ़ यू लाइक माई व्लॉग, प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड लेट्स कंटिन्यू दिस व्लॉग। इसीलिए इसका नाम है आर्ट स्ट्रीट। यहाँ पे मिल गया है झूला, तो ये तो झूला झूलना बनता ही है।
स्ट्रीट यहीं पे है जो नीचे जाने वाले लिए पूरा है आर्ट स्ट्रीट। अभी हमारा आर्ट स्ट्रीट हो गया, अभी कवर करने वाले क्वीन स्ट्रीट और उसके बाद में बुगीज। इसका नाम है BAWACE MSV 16, इसका नंबर है। ये वाली भी कितनी क्यूट है, ये वाली टी शर्ट, ओ माई गॉड बहुत ज़्यादा सुंदर है। जो कुछ अराउंड $10 की है, नीचे वाले जो $5 की है टी शर्ट, बहुत सुंदर है। इसके पास काफ़ी सुंदर ऐसे वाले टॉप भी है जो क्रॉप टॉप है। ये वाली टी शर्ट में बहुत सारे कलर भी है जो बहुत सुंदर है ये टेडी के साथ में। सारे स्ट्रीट में जो सिर्फ नाम है स्ट्रीट इसका, एंड लेट्स सी यहाँ पे क्या क्या मिल रहा है। एंटर होते ही बहुत सारे पर्सेस मिल जाएंगे जो आज काफ़ी अच्छी क्वालिटी के हैं। यहाँ पे बैग भी है जो कैबिन बैग हो जाएंगे, एंड बैग बैग बैग। सो इस स्ट्रीट के अंदर तो पूरे बैग ही हैं, जो छोटे बच्चों वाले बैग नहीं, ऐसे क्यूट क्यूट वाले। यहाँ पे सॉक्स हो गए, चश्मा हो गया, एंड ईयर रिंग्स हो गए। मैंने इस लास्ट टाइम इससे शॉपिंग की थी, बहुत अच्छे हैं इनके ईयर रिंग्स तो। एंड यहाँ पे कॉर्ड सेट बड़े सुंदर हैं यहाँ पे तो, ये तो कुछ तो $10-15 वाले हैं, बहुत सुंदर है ये भी। एंड मोस्टली यहाँ पे बैग मिलते हैं। यस, लास्ट टाइम मुझे इसके रिगार्डिंग क्वेरी आई थी कि ये वाला कहाँ से मैंने लिया है, तो ये तो बहुत सुंदर ये बैग, इसका नाम लिखा हुआ है फैशन बैग। और यहाँ पे नो एक्सचेंज नो रिफंड है। ये वाली इसका है 12 और दो का ले रहे हैं 20, तो बहुत सुंदर है ऐसे वाले ले जाने के लिए जो क्यूट है बहुत। यहाँ पे इनके पास क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, नीचे भी जो बैग दिख रहे हैं बहुत ज़्यादा सुंदर है। इतना ही कोई $10-$30 के अंदर है जो यहाँ पे लिखे हुए भी हैं। ये वाले बैग भी बहुत ज़्यादा सुंदर है जो $25 का एक है, और ये सेम ही स्ट्रीट के अंदर ही मैं चल रही हूँ यहाँ पे। ये भी बहुत प्रीटी है, काफ़ी सुंदर है इसका कपड़ा भी, जो भी मटेरियल बोल सकते हैं। और ये झोला बैग हो गई जो $4 का है, बहुत चीपर है ये, मार्केट में इसका $10 से कम कहीं भी नहीं मिल रहा है, और इसके पास सिर्फ $4 में मिल रहा है, बहुत प्रीटी। इनका मुझे बोलना पड़ेगा मार्केट रेट से बहुत अच्छा दे रही है, यहाँ पे चीपर है क्योंकि $10 है इसका मार्केट में, मुझे पता है वो रेट। और ये वाली बंदी दे रही है $10 में 3, विच इज़ ग्रेट। इनके पास ये लगेज बैग भी जो बहुत अच्छे है, ये वाला छोटा हो गया एंड ये नीचे बड़ा बैग है जो लगेज बैग में भी जा सकते हैं। वाला 65 के दे रहे हैं, 55 के भी ये दे रहे हैं, तो दोनों साथ में ले रहे हैं। तो ये वाला दे रहा है 41 के, दोनों बहुत अच्छे हैं, लेकिन ये कलर भी बहुत बड़े क्यूट क्यूट वाले हैं। ये वाली शॉप नंबर है 01 1920, सो यहाँ पे DLF 20 लिखा हुआ है। इसके पास बैग बड़े सुंदर है यार, इतने सारे अच्छे कैबिन बैग है जो इतने कलरफुल है। और अगर मैं प्राइस की बात करूँ तो $55 के ये वाले दोनों साथ में दे रहे हैं, और ये बैग बड़ा ही स्ट्रॉन्ग लग रहा है मुझे। और इसका क्या नाम है, कौन सी ब्रांड का, ये वाली ब्रांड का ये बैग है यहाँ पे, जो मुझे ज़्यादा इतना नहीं पता, पर JCL मैंने काफ़ी बार यहाँ पे लोगों को देखा है। और ये वाला तो हो गया बच्चों के लिए, जो यहाँ पे बच्चे बैठा के लेके जा सकते हो ट्रैवल विद किड। सो इसके नीचे टायर है और ऊपर यहाँ पे बच्चा बैठ सकता है, तो काफ़ी कन्वीनियंट होता है ले जाने के लिए। ये ओपोजिट, मैं इसी के ओपोजिट शॉप में आई हूँ, तो इनके पास ये परफ्यूम हो गए कुछ कुछ कुछ, और इनके पास अगेन ये बैग्स हैं जो बड़े ही अच्छे हैं। ये वाले तो यार बैग मेरे को काफ़ी अच्छे लग रहे हैं, लेट मी ट्राई ये कैसे हैं बैग्स। मैं ये ब्लैक वाला ट्राई कर रही हूँ जो लग उसमें आएगा कैबिन बैग में, लेट्स सी ये कैसा है। हाउ मच द प्राइस, 50, ओके, ओ वाओ। विच ब्रांड, सो ये सेम ब्रांड है, इसका है 50, उसका है 65, बड़े जो चेक इन बैग का है। ये वाला है 55 का, और इधर है काफ़ी सारी क्यूट क्यूट ये वाले क्लिप्स वगैरह कुछ कुछ हो गए, जो एक का $1 ले रहे हैं 6 पीस का। ये जो अभी मैं पर्स दिखा रही थी, उसी वाली लड़की के पास ऐसे मेकअप वाले बैग जो बड़े ही लग्जरी, बहुत ज़्यादा इनकी अच्छी क्वालिटी है, तो ऐसे लग रहा है जैसे डियोर का ड्यूप बनाया हुआ है। बट जिनको नहीं पता, सिंगापुर में ड्यूप नहीं चलते जैसे हांगकांग मलेशिया बाकी अदर कंट्री में कैसे ड्यूप मिल जाते हैं, यहाँ पे उसका काइंड ऑफ सिमिलर कॉपी मिल जाएगा या फिर एक लोअर क्वालिटी में मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पे डुप्लीकेट अलाउड नहीं है, यहाँ पे इलीगल है सिंगापुर में। ओके, मैं ये वाला जो मेकअप बैग मुझे लग रहा है वो ओपन करवा रही हूँ। ये मैं इस बैग की बात कर रही थी जो बच्चों वाला बैग है, तो ये ऐसे टिक भी जाता है, और ये ऐसे पकड़ के यहाँ पे तो बच्चे को बैठा दो वो हैंडल पकड़ लेगा, और ये ऐसे आपको इजी निकालने में भी काफ़ी घिसने में काफ़ी इजी हो जाता है ये वाला
बेस्ट है ये सच में। इसका प्राइस यहाँ पे लिखा हुआ ओ ओ 189, ये ऐसा कुछ रहता है। ओके सो ये बैग ऐसे कुछ वर्क करती है, ऐसे बच्चे को बैठा दो और ऐसे आराम से ये नीचे इसके पहिए हैं तो आराम से घूम सकते हैं। बड़े कॉस्टली है, $189 के आराम को 14-15 हज़ार की हो जाएगी, बट ठीक है। आई थिंक अगर मोस्टली ऑफनली ट्रैवल करते हो तो बच्चों के लिए काफ़ी कन्वीनियंट है। ये वाली शिल्पा शेट्टी की काफ़ी ज़्यादा वायरल हुई थी ये बैग ऐसा कुछ, तो ये ऑटोमेटिक चलने वाली जो, इसका प्राइस है 1059। ओ माय गॉड बहुत ज़्यादा कॉस्टली है, 1000 मतलब ऑलमोस्ट हो गया 60,000 अराउंड। बट ये इसमें क्या कर सकते हैं, यहाँ पे बैठ के और आराम से इसको खुद चला सकते हैं अगर किसी को पैदल नहीं चलना है तो एयरपोर्ट पे। ये वाले बैग तो काफ़ी सब भी ने देखे होंगे जो एलवी का काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में हो रखे हैं, ऐसे वाले जो बहुत चीपर हैं। इनके पास इसी शॉप में जो मैं स्ट्रीट है उसी में चल रही हूँ अभी, ये पूरा वही एक्सप्लोर कर रहे हैं। इस शॉप का नाम है EFL07। सो इस पर अगेन इतने छोटे छोटे क्यूट क्यूट पर्स टाइप के और जो बैग वगैरह होते हैं उनमें पाउच ऐसे लटका सकते हैं, इसमें कॉइन वगैरह डाल के रख सकते हैं, कुछ छोटी मोटी चीज़ें भी। ये क्या है इतनी क्यूट से, अच्छा ये ए ऐसा कुछ है, प्लीज़ नो प्लेइंग लिखा हुआ, लेकिन फिर भी मेरे पति यहाँ पे खेल ही रहे हैं इसके साथ। ओ ये कितना क्यूट है, एक का $12 है जो छोटी क्यूट लड़कियों के लिए या फिर जो इंस्टाग्राम के जो रील्स वगैरह बनाते हैं उनके लिए बड़ा ही सुंदर होते हैं ये वाले पर्स। हमारा हो गया स्ट्रीट कवर करके और अभी हम लोग जा रहे हैं क्वीन स्ट्रीट में, लेट सी ये कैसा रहता है। बाय द वे बिफोर दैट यहाँ पे मुझे इंस्टाग्रामेबल प्लेस फिर से एक मिला है, लाइक ये लिखा हुआ है यहाँ पे आर्ट वर्क। सो इसमें ऐसे जो पुराने जो कपड़े के ऐसे कैसे चोटी गूंथ के जो बनाते हैं मेरी मम्मियाँ वगैरह, वैसा वाला आर्ट है यहाँ पे, बहुत सुंदर बनाया हुआ है। ओ माय गुडनेस वाला जो आर्ट के लिए बनाया हुआ है क्वीन स्ट्रीट और इनका जो बोर्ड लगा हुआ है यहीं पे है ये वाला बनाया हुआ है। सो यहाँ पे मस्ट एक्सप्लोर से, ये जो इंस्टाग्राम पर प्लेसेस बनाए हुए हैं यहाँ पे जरूर एक्सप्लोर कीजिए, बिकॉज यहाँ पे इतनी अच्छी रील्स जो आने वाली है। नाउ लेट्स कंटिन्यू एक्सप्लोर क्वीन स्ट्रीट। सो इस क्वीन स्ट्रीट में कुछ खास ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है, वही ऐसे कुछ चॉकलेट ये जूस की दुकानें या फिर छोटे स्लीपर्स वगैरह ऐसे कुछ 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 मिल रहे हैं, मुझे कुछ खास लग नहीं रहा है। बट यहाँ पे अगर किसी चप्पलें लेनी है तो ये ले सकते हैं। प्लस मुझे एक ये शॉप ज़रूर पसंद आई है, ये वाली जो MSQ58 इसका नंबर है, ये वाले भी ऐसे क्रॉप टॉप बड़े अच्छे मिल रहे हैं जो ब्लाउज में भी यूज़ कर सकते हैं, ये बड़े अच्छे लगे मेरे को, ये चेकआउट कर सकते हो। बाकी ऐसा कुछ है क्वीन स्ट्रीट का हुआ है फूड कोर्ट बुगीज, क्वीन स्ट्रीट हो गया, अभी इस वाली फूड कोर्ट बुगीज में चलते हैं, लेट्स सी यहाँ पे कैसा है इनका। इस वाली स्ट्रीट में यहाँ पे आगे चल के फूड कोर्ट, बट यहाँ पे काफ़ी सारे कपड़े भी बहुत अच्छे हैं। काफ़ी सारे यहाँ पे ट्रेंडिंग क्लोथ चल रहे हैं, जैसे $10, $10, $10। ये लोअर काफ़ी अच्छा लग रहा है, लेट्स सी ट्राई करते हैं कैसा है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा ट्रांसपेरेंट लग रहा है। यहाँ पे सब कुछ $10 में इस वाली शॉप में, सब कुछ जो खरीदना है खरीद लो। ड्रेस भी काफ़ी अच्छी है, जो कम्फर्ट अगर जॉन में अगर जाना चाहो तो ये भी अच्छी है। वहाँ पे कोट सेट टाइप से यहाँ पे थोड़े से ऐसे कुछ 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 सब $10 में मिल रहे हैं यहाँ पे। आपका नाम है FFL8 और इनके पास ऐसे ट्रेंडिंग वाले ये बड़े अच्छे चल रहे हैं। लास्ट टाइम मुझे किसी ने क्वेश्चन किया था कि ये दुकान का नंबर क्या है, तो ये वाले इनके पास पर्स है, बड़े सुंदर है, ये बहुत ट्रेंड में चल रहे थे, अभी का मुझे कोई आइडिया नहीं, बट अभी भी बहुत सुंदर लग रहे हैं। ये बड़ा पर्स तो मुझे भी काफ़ी क्यूट लग रहा है, बट ऐसे मैं यूज़ नहीं करती ये, जैसे ऐसे कुछ फ़ोटोज वगैरह उन सब में बड़े अच्छे है। $25 का ही ये ग्रीन में तो क्या बताऊँ, बहुत सुंदर। सो कंटिन्यू इसी स्ट्रीट में सेम क्लोथ मिल रहे हैं, ये वाले जैसे लोअर हैं तो इनको कभी ट्राई करना अगर यहाँ से लो तो, ये मेरी तरफ से एडवाइज है, बिकॉज ये थाइस में बड़े टाइट हो जाते हैं यहाँ से ले जाने के बाद में, ऐसे लगता है आ रहे हैं बट नहीं आते। ये $15 के ऐसे क्रॉप टॉप है, ये भी क्यूट है, पैडेड है ये वाले, अच्छे हैं ये भी सच में, बहुत सुंदर, मस्ट ट्राई। इनके पास तो नाइट ड्रेस है, बहुत सुंदर, बहुत सारे कुछ कुछ इनके पास ऑप्शन है, जैसे ये $10 वाले हो गए, वो वाले हो गए छोटे, कुछ तो ब्रालेट में हो गए
और ये सेम ये वाली शॉप का नंबर है ये A2 करके पूरा खुद देख लेना, इनके पास ऐसे कुछ तो चल रहे हैं जो नॉर्मल जैसे ऐसे ये आजकल बड़े एकदम ये अगर किसी को पता है ब्रांड है उसकी है ये पैंट जो काफ़ी लूज पैटर्न में बड़ी आजकल चल रहे हैं जैसे कुछ गर्मी का सीज़न हो तो कंफर्टेबल रहते हैं ऐसे वाले। और ये आ गए बहुत सारे स्लीपर जो बारिश में बड़े अच्छे हैं छोटे बच्चों के लिए पर्स आजकल तो बड़े भी ऐसे कुछ कुछ रील्स वगैरह के लिए यूज़ करते हैं। ये वाली स्ट्रीट होती है यहीं पे समाप्त और यहाँ पे आ गया फूड कोर्ट, अगर किसी को फूड कोर्ट ट्राई करना है तो कुछ खाना पीना तो वो यहाँ कर सकते हैं। अभी ट्राई करते हैं दूसरी वाली स्ट्रीट, लेट्स सी वहाँ पे कुछ नया मिलता है क्या या मैं बाय क्या करती हूँ या फिर प्राइस कैसे है। बाय द वे जिनको नहीं पता होगी इसमें आप बार्गेनिंग कर सकते हो लेकिन आप में स्किल होनी चाहिए बार्गेनिंग की, यूजुअली नहीं करने देते बट कर सकते हो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे अगर आप कुछ ज़्यादा पीसेस ले रहे हो तो डेफिनेटली यू मस्ट ट्राई। ये वाली सेम शॉप में जो मैंने अभी ट्रेंडिंग वाला दिखाया था इसमें यही नहीं है, ऐसे वाले बहुत ही सुंदर ऐसे बैग है, क्वालिटी बहुत ज़्यादा सुंदर है। और ये वाला तो इतना क्यूट है ये वाला पर्स तो। ऐसे वाले यहाँ पे बहुत सारे शूज़ भी हैं, इनके पास स्लीपर भी बहुत सारे, ये बहुत कुछ कुछ है बस ऐसे बीच बैग भी है। मैं प्राइस इतना कुछ यहाँ पे पूछ नहीं रही हूँ बट कुछ अराउंड कुछ $25-30 के बीच के हैं ये सारे पर्सेस। ये हमारा छोटा छतरी अभी थक गया है फाइनली तो बैठ रहा है यहाँ पे, इसको पिंक बड़ा पसंद है जैसे पिंक वाला यहाँ पे था तो यहाँ पे बैठ गई। इनके पास जो सैंडल्स है बड़ी सुंदर है, इनकी हील्स काफ़ी क्वाइट अच्छी है और ये $39 की है, ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा यहाँ पे जो काफ़ी सुंदर लगता है जो पतले स्ट्रैप जो रहते हैं वो। मैं इस शॉप का नंबर फिर से बता रही हूँ FF08 और इनके पास ये चप्पल बहुत सुंदर है, ये $19 की है, मैं जस्ट ट्राई करके दिखा रही हूँ। यू कैन सी कितना क्यूट लग रही है। लोग अभी फुल स्ट्रीट उसी स्ट्रीट में चल रहे हैं, इनके पास ऐसे कवर भी है और कस्टमाइज करवा सकते हैं ऐसे कुछ कुछ लगवा के, इनके पास बहुत सारे कुछ कुछ है तो ये लगवा के और करवा सकते हैं और इसका नाम है क्यों करके, सो इन वाले शॉप पे आप देख सकते हो। ये जो कवर दे रहे हैं ये तो इनका है ऐसे कुछ, यहाँ पे कस्टमाइजेशन का काफ़ी है जैसे पासपोर्ट के कवर हो गए फ़ोन के हो गए। ये वाला पेरिस वाला तो बहुत क्यूट है लड़की हूँ, आजकल मैं देख रही हूँ इंस्टाग्राम पे बहुत कुछ चल रहा है, यहाँ पे अपना नाम भी लिखवा सकते हैं ऐसे कुछ इनके चिपकवा के। अभी हम लोग एंटर हो रहे हैं ड्रैगन स्ट्रीट में, लेट्स सी ये कैसा रहता है। अगेन बहुत सारे ये कुछ कुछ बट ये बड़ा अच्छा है, इनके पास $12 के हैं ये क्रॉप टॉप स्लैश ब्रालेट टाइप से। फोन कवर भर भर के यहाँ पे पड़े हैं। ये शॉप बड़ी इंटरेस्टिंग लग रही है, इसका नाम बता देती हूँ सबसे पहले FF01। इनके पास मैंने पहले भी इनका ख़रीदा हुआ है कुछ तो, बट इनकी क्वालिटी बहुत अच्छी रहती है, अगर आप ट्राई करना चाहो पैंट वगैरह तो इनके पास अच्छे हैं और थोड़ा लिटिल बिट स्लाइटली प्राइस ही रहता है $1-2, इट्स नॉट ए मच प्राइजी बट इनकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, आप इनके कपड़े के क्वालिटी से समझ जाओगे, मार्केट के जैसा इनके पास नहीं है, इनके पास मोस्टली लोअर बहुत अच्छे होते हैं, इनके ट्राई करना कभी। $18 में बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है, पता नहीं आप लोगों को इसका कैसा लग रहा होगा बट इसको यहाँ पे ऐसे रिबन है तो स्ट्रेचेबल हो जाती है बट ये बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है इस गर्मियों में। लेडीज़ों के नीचे जेंट्स के भी बहुत अच्छे कपड़े, मैंने ये कितना स्मार्ट लग रहा है ये वाला मॉडल। एंड इस शॉप का नंबर क्या है यहाँ पे तो लिखा हुआ नहीं है बट सेम स्ट्रीट में जो स्ट्रीट चल रही थी इसके ऑपोजिट वाले में हम लोग आए ड्रैगन स्ट्रीट में, तो लेट्स सी इसका कैसे रहता है। आई थिंक ये दूसरी स्ट्रीट चालू हो गई है। एंड इस शॉप का नंबर है MSV9A। एंड इसके पास ये वाले कपड़े बड़े अच्छे चल रहे हैं, नीचे यहाँ पे कार्गो पैंट हो गई जो अगेन $10-15 में है। ये वाली शॉप का नाम है BLV A4 और ये वाली के पास मैं ले रही हूँ ये ड्रेस जो $20 की है, इसके पीछे भी $28 की है। हम लोग सेम स्ट्रीट में चल रहे हैं और ये वाली का ड्रेस का है $15 पोलका डॉट में, पर थोड़ा ट्रांसपेरेंट है बट ड्रेस अच्छी है अगर आपको ट्रांसपेरेंट में कोई इशू ना हो तो। और सेम बहुत सारे ऐसे कुछ कुछ, ये वाली तो एकदम कम्फी में ड्रेसेज है ही। वाली शॉप का नाम है क्वींस करके,
ये वाली का ना पैटर्न बड़ा अच्छा है इनके पास, कॉटन बेस में ऐसे वाले शॉर्ट में, और इसका लॉन्ग वर्जन इन्होंने बना रखा है, इन्होंने ऐसे टू पीस में भी बना रखा है। ये ड्रेस मुझे बड़ी पसंद आई, अगर ऑफिस जाते हो तो ऐसे वाले बाय कर सकते हो, मेरे पास बहुत बड़ी है, सो आई एम नॉट बाइंग एनीथिंग। रेट होती है यहीं पे समाप्त, सेम काइंड ऑफ मुझे वो क्वीन बड़ी पसंद आई थी, ये वाली शॉप बहुत सुंदर है इसका यहाँ पे ज़रूर ट्राई करना। बाकी तो सारे काइंड ऑफ एम ही हैं, जैसे कुछ वेकेशन टाइप के हो गए, बट ये बड़ी मुझे यूनिक। ये वाली स्ट्रीट है प्रिंस स्ट्रीट, जो मैंने अभी एक्सप्लोर की। अभी हमारा यहाँ पे हो गया पूरा एक्सप्लोर करके, हम लोग ऊपर फ्लोर चेक करने जा रहे हैं, लेट सी वहाँ पे कुछ तो अच्छा मेरे को दिख रहा था शॉप, अगर वर्थ है तो मैं वीडियो में डालती हूँ। ऐसा कुछ ऊपर का फ्लोर दिख रहा है, यहाँ पे बहुत सारी चप्पलें, जूते, क्यूट क्यूट सामान, काइंड ऑफ सिमिलर है, लेट सी कुछ अच्छा शॉप है। मेरी तरफ से कुछ रिकमेंडेशन है तो आई विल मेंशन हियर। मुझे काइंड ऑफ सिमिलर कुछ कुछ लग रहा है, तो मैं कुछ ज़्यादा कुछ बता नहीं रही हूँ, कुछ कुछ अच्छा नहीं लग रहा है टू बी ऑनेस्ट। ऐसे ही कुछ तो सिंपले कुछ तो है ही, लेट सी ये वाली दुकान एक्सप्लोर करते हैं कैसी है। जो आर्ट स्ट्रीट थी ये वाली, मैं जिस पे बनाया था उसके सामने ये यहाँ पे गेट आ गया, और ये एक शॉप है, तो ये बड़ी अच्छी लग रही है। इनके पास एटलीस्ट क्वाइट अच्छे कपड़े हैं इनके पास, लाइक थोड़ा बहुत देखते हैं। ये कॉटन बेस है, 32 है इसका, बहुत सुंदर है, इनके क्वालिटी के तो आई वुड से मस्ट ट्राई इफ़ यू आर कमिंग हियर, बहुत सुंदर है। ये वाली मैंने एक लव बनी तो ब्रांड के खरीदी थी, सेम काइंड ऑफ कॉपी है ये तो, सेम टू सेम। ऑब्वियसली इसका प्राइस ड्रॉप है कंपैरेटिवली उसके। ये स्कर्ट बड़े फेमस हैं, ये भी चल रहे हैं, ये वाली ऐसी कॉटन बेस, ये भी यहाँ पे है, तो अराउंड कुछ $30-40 के बीच में है, बट ये अच्छी है। बस मुझे ये जो क्रॉप टॉप शॉर्ट टॉप में वो मुझे बड़े अच्छे लगे, $23 है इसका प्राइस, कॉटन बेस है मटेरियल, आई वुड से हाईली रिकमेंडेबल अगर इफ यू आर कमिंग हियर। सी बुगीज में आओगे तो आपको सब कुछ बहुत अच्छा लगेगा, सब कुछ सस्ता। एंड जिनको नहीं पता, बुगीज इज़ लाइक ए सरोजनी मार्केट, विदेश वाला सरोजनी मार्केट आई वुड से। एंड यहाँ पे सब कुछ उसी सेम प्राइस में आपको मिलेगा, जैसे यहाँ पे 250-300-500 में मिल जाता है, यहाँ भी काइंड ऑफ सिमिलर आपको प्राइस में मिल सकता है। कुछ अच्छी हाई क्वालिटी वाली भी दुकानें हैं जिनका प्राइस थोड़ा सा हाई रहता है, बट बाकी सिमिलर ही है। यहाँ पे सेम ही फ्लोर पे मैं रहूँ, यहाँ पे हेयर एक्सेसरी जैसे ये क्यूट वाली क्लिप हैं, ये जो चोटी में लगाने वाले बेल्ट हो गए। अगर शॉपिंग करते हो थक जाओ तो यहाँ से जूस लेके थोड़ा एनर्जी ले सकते हो, ताकि शॉपिंग करने में थोड़ा इजी रहे। लोग सेम ही फ्लोर पे है अगेन, तो ये वाले यहाँ पे ओवरसाइज टी शर्ट बहुत अच्छी है, जैसे एक का $25 यहाँ पे लिखा हुआ है, एंड क्यूट बड़े ये कलर बड़े पॉपअप वाले कलर्स हैं यहाँ पे, सेम काइंड ऑफ पैटर्न जो पहले मैंने शॉप पे दिखाया था। इसका नाम YJJ फैशन है, एंड इसका नंबर है CSL C8। ये टॉप बड़ा क्यूट लग रहा है, ट्राई करना पड़ेगा कैसा है। शॉप पे ऐसे वाले कपड़े जो नीचे मैंने दिखाए थे, बट इनकी क्वालिटी बहुत बहुत सुंदर है, इनका जैसे ये ड्रेस देख सकते हो। हाँ मुझे दुकान बड़ी एक और पसंद है, यहाँ पे FSL 11 है, और ये इसका वेकेशन टाइप वाली ड्रेसेस है, बहुत प्रीटी है ये सारे, जैसे यहाँ पे वेकेशन वाले बैग हो गए, ये ड्रेसेस हो गई, लेट सी इनका यहाँ पे शॉप कैसा है। बस ये ड्रेसेस तो बहुत ज़्यादा सुंदर है, जैसे ये बड़ी सुंदर लगी मुझे, 38 की है, ये 28 की है, पर नो ट्रायल लिख रखा है, अब किसी को ना आए तो कैसे ले, कहाँ से टाइट लूज कुछ हो तो कैसे करना है। इनके पास टॉप क्रॉप टॉप हैं बहुत सारे, जो $23 के हैं, जो मार्केट रेट से बड़े हैं, थोड़े प्राइजी लग रहे हैं मुझे, पर क्वालिटी वाइज अच्छे हैं, नेवर माइंड। यहाँ पे एक मैरी फैशन करके है सेम फ्लोर पे ऐसे, एंड इनके पास ये कार्डिगन है तो बहुत सुंदर है, वॉर्म है, सिंगापुर के लिए बड़ी वॉर्म है, इसका कुछ तो $28 है, जो बहुत सुंदर है क्वालिटी वाइज भी। एंड इनके पास जो डेनिम शर्ट है जो $23 का है, ये लेडी यहाँ पे बहुत स्वीट है। एंड और मैं बताऊँ तो यहाँ पे ऐसे वॉर्म बहुत सारे हैं, अगर किसी आप वॉर्म कंट्री में हो, दिल्ली साइड में रह रहे हो, तो ये परफेक्ट है। प्लस इनके पास जो ये ब्लेजर टाइप से शॉर्ट्स वाली ड्रेसेस भी हैं, ये क्यूट वाले और भी बहुत कुछ है, ऐसे कुछ कुछ ले सकते हैं, बहुत सुंदर है। एंड प्राइस काफ़ी रीजनेबल है इनका,
यहाँ पे $15 का ये टॉप दे रहे हैं। मैं अभी यहाँ पे थोड़ा सा ब्रेक ले रही हूँ, पेडिक्योर करवा रही हूँ, एंड बिलीव करो कि सिर्फ $12 में ही करके दे रहे हैं जो नॉर्मल वाला, एंड अगर जेल वाला करवा रहे तो 25 में, एंड बहुत सस्ता है। आई वुड से अगर बुगी जाओ तो थोड़ा सर्विस लेके जाओ, हाथ पैर के जो भी करवाने हैं, या फिर आई लैशेज करवाने, एक्सटेंशन, कलर्स, या फिर क्यूटिकल, सब कुछ जितना भी करवाना होता है तो यहाँ पे सर्विस बहुत सस्ती मिल जाएगी। लेट्स सी इनकी क्वालिटी कैसी है नेल पेंट की, बट $12 में कुछ नहीं मिलता सीरियसली, क्योंकि मार्केट प्राइस कुछ $40 अराउंड कुछ है, बट यहाँ पे बड़ा सस्ता मिल रहा है, सो मैं करवा रही हूँ। तो फिर भी हमको यहाँ पूछ रही है, यहाँ पे नेल्स के लिए, आई लैशेज के लिए यहाँ पे बहुत सारे इसी सेम फ्लोर पे मिल जाएंगे, और फिर ऑपोजिट में गेमिंग जोन, तो यहाँ पे गेम वगैरह अगर बच्चे आ रहे हैं साथ में तो वो खेल सकते हैं, एंड बस ये वाले फ्लोर का टूर होता है समाप्त। ये टैटू वगैरह या फिर बॉडी पियर्सिंग कहीं भी, ओ गॉड कहाँ कहाँ लोग बिंदवा लेते हैं, अब समझ में ही नहीं आ रहा है। यहाँ पे एज आई सेड बहुत सारे मिनी पेडी के बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। यहाँ पे सरप्राइजिंगली देखो ना, यहाँ पे राम जी की, गणेश जी की, ये वाली सब मूर्तियाँ हैं, और यहाँ पे चाइनीज भी मूर्ति हैं, भगवान जी है, लेकिन इनके अलावा अपनी वाली को देख के बड़ा ही अच्छा लग रहा है। मैंने पहले भी बताया था कि कल्चर सिमिलर ही होता है, थोड़ा सा डिफरेंट होता है, लाइक उनको प्रे करने का तरीका या फिर उनके बाकी सारे रिवाज, बट बाकी सेम ही होता है। जैसे यहाँ पर भी जो प्रे करने का तरीका अपनी तरह ही करते हैं, प्लस यहाँ पर भगवान जी की मूर्तियाँ देखे थे तो ओ माई गॉड इतना अच्छा लग रहा है, वो भी विदेश में। यहाँ पे अगर इस मंदिर में किसी को ये मोमबत्ती लेके जाने तो यहाँ से बाय करके और अगरबत्ती वगैरह भी मिलती है वो लेके और वहाँ पर चढ़ा के आ सकते हैं, या फिर यहाँ पे रख सकते हैं। यहाँ पे बुगीज में पूरा ये ऑटम वेदर के लिए डेकोरेशन है, ऐसे कैंडल टाइप से होता है जो इसमें कुछ आवाज़ आती है, तो हम लोग अभी ये ले रहे हैं, सब जगह पर ऐसे लगा हुआ मिलेगा इस वेदर में। बुगीज मार्केट वो रहा वहाँ पे ये मैं थोड़ा दिखाती हूँ, एंड ये वाले जो हम लोग अभी स्ट्रीट में चल रहे हैं, ये वाले का नाम है फुल्लूसु, देख लेना अभी एडजस्ट कर लो जो भी प्रोनाउंसिएशन निकल रहा है, बट यहाँ पे ऐसा सीन है कि यहाँ पे जो बुगीज में मिल रहा है वही सामान यहाँ पे, लाइक ये वाले जो मैट हो गए, या फिर बेड शीट हो गई, या फिर ऐसे वाले कपड़े हो गए, एंड इस साइड में कुछ तो ये अल्बर्ट सेंटर है, तो अगर किसी को आना है तो यहाँ पे चेक कर सकते हैं, जैसे ऐसे कपड़े हैं कुछ $5-10 वाले। एक और चीज़ यहाँ पे काफ़ी कॉमन मिलने वाली है, और वो है कि ये वाली गली में जो पीछे बिल्डिंग है वहाँ पे ऐसे बोलने वाले हैं, आपका ये मॉल निकाल के दे देती है, अनलकी है, $5 में एक पिगमेंटेशन या फिर कोई अनइवन आपके स्किन पे कुछ है तो वो निकालने बड़े यहाँ पे एक्सपर्ट है, और उसके लिए इतने पीछे पड़े हुए रहते हैं, तो अगर आपको इंटरेस्टेड है, आपको ये निकलवाना है तो यहाँ पे निकलवा सकते हो। $5 मतलब अभी देख लो 300 रुपये होते हैं इंडियन रुपीज में। हुआ हमारा अभी यहाँ का एक्सप्लोर करके, आई होप ये व्लॉग आपको पसंद आया होगा और कुछ हेल्पफुल रहा होगा अगर यहाँ पे रह रहे हो या फिर अगर यहाँ पे घूमने के लिए आ रहे हो सिंगापुर में। सी अगर आप लोग अगर आपके नियर बाय जहाँ भी रहते हो, अगर इंडिया से अगर यहाँ पे आ रहे हो तो सरोजनी मार्केट या फिर कोई नियर बाय को लोकल मार्केट होता है जहाँ पे चाइनीज वाले ये सब फास्ट फॉरवर्डेड जो फैशन वाले कपड़े होते हैं वो अगर मिल रहे हैं 250-500 वाले, तो ये सेम टू सेम यहाँ पे मिलने वाले हैं, तो अगर आपको खरीदना है तो आप खरीद सकते हो, अदरवाइज डोंट वेस्ट योर टाइम अगर आप घूमने के लिए आ रहे हो, बिकॉज यहाँ पे अगर एक बार घुस गए तो 4-5 घंटे आराम से निकल जाते हैं, बिकॉज ऐसे लगता है शायद आगे वाली शॉप पे बहुत अच्छा होगा ऐसे करके, सो डोंट वेस्ट योर टाइम। ये था मेरा फीडबैक कि आपको यहाँ पे आना है कि नहीं, बाकी आपकी चॉइस, अगर घूमने के लिए आ रहे हो तो आपके पास टाइम है तो आप यहाँ पे यूनिक एक्सपीरियंस ले सकते हो, यहाँ का जो आर्किटेक्चर है, जो कलरफुल है, वो सब देख सकते हो, एंड या That's it. And इसी के साथ ही करते हैं इस ब्लॉग को समाप्त। आई होप आपको अगर पसंद आया तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड वी विल सी यू सून नेक्स्ट ब्लॉग, तब तक के लिए बाय बाय एंड स्टे सेफ।